बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को भोपाल में कहा कि इस बार भोपाल में चुनाव दो प्रत्याशियों का नहीं, दो दलों के बीच नहीं, बल्कि एक तरफ राष्ट्रवाद और धर्म की विचारधारा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोगों के बीच में है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में हाई प्रोफाइल सीटों में से एक भोपाल सीट पर घमासान चरम पर है। भोपाल में होने वाली मतदान से पहले दक्षिण भारत से आए भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने भी राजधानी का सियासी माहौल गर्मा दिया है। उन्होंने हिंदुत्व की जमकर तारीफ की है। आप पढ़े लिखे होने के बाद भी साध्वी जी के पक्ष में कैंपेन करने के लिए क्यों जा रहे हैं? दिस वाज द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी। आई सेड मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं एजुकेटेड हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं समझ सकता हूं कि काला क्या है, सफेद क्या है, मुझे पता है, मुझे पता है कि सत्य क्या है और व्हाट इज फेक नैरेटिव, इसलिए मैं जा रहा हूं। भाजपा के सबसे युवा प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या ने भोपाल के मानस भवन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कहा, कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में जो लोग भोपाल आ रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अतिशी मार्लेन के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु के लिए माफी दिए जाने का अभियान चलाया था, जबकि अफजल चिन्हित आरोपी था। क्या ऐसे लोगों का समर्थन करना देश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं है? फ्रेंड्स, इन दिल्ली आम आदमी पार्टी हैज पुट अ कैंडिडेट। आई वांट ऑल ऑफ यू टू काइंडली मेक नोट ऑफ दिस, ठीक है, और टेल एवरी सिंगल पर्सन इन भोपाल हु क्वेश्चंस यू व्हाई यू आर कैंपेनिंग फॉर साध्वी जी। There is a candidate in Delhi in Aam Aadmi Party's ticket called Atishi Marlena. She is contesting against Gautam Gambhir. Do you know what Atishi Marlena's parents did? Atishi Marlena's parents signed mercy petition for a convicted terrorist called Afzal Guru. They approached the Supreme Court. Supreme Court, after a detailed inquiry, detailed trial, declared that Afzal Guru is a terrorist. ए आतिशि मरलेना का माता पिता funds raise किए, उसके मर्सी पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट में फाइट करने के लिए। मैं इस देश के बुद्धिजीवियों को, लेफ्टिस्ट को, दिग्विजय सिंह को और उसके समर्थन में आने वाले स्वरा भास्कर जैसे लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं, द पर्सन हु वांटेड टू ब्लो द वेरी पार्लियामेंट टू विच यू नाउ वांट टू सेंड आतिशी मरलेना। कुल मिलाकर चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। चारों तरफ प्रत्याशी अपनी क्षमता से अधिक काम करने और अपने पक्ष में परिणाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कई वीआईपी सीटें हैं जिन पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।